शुरुआत राजस्थान के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बाहरी या राजस्थानी होने को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा ने पायलट को जवाब देते हुए कहा कि मेरी डोली राजस्थान आई थी और अब अर्थी ही यहां से जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर सवाल उठाने वाले ये बताएं कि उनका पीहर कहां है, उनका ससुराल कहां है। बता दें कि मामले की शुरुआत तब हुई थी जब बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया था कि सचिन पायलट यूपी के सहारनपुर से आकर राजस्थान का सीएम बनना चाहते हैं, जिस पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा था कि 2.5 साल की उम्र में 1969 में जब उनका रिश्ता राजस्थान से बंधा था तब बीजेपी पार्टी बनी भी नहीं थी और वसुंधरा 22-23 साल की उम्र में राजस्थान आई होंगी, तब से उनका राजस्थान की मिट्टी से रिश्ता है जब वो 2.5 साल के थे। इस पर पलटवार किया राजे ने और कहा कि मेरी डोली राजस्थान में आई और अब अर्थी यहां से जाएगी, मैं लोगों की सेवा करती रहूंगी। सचिन पायलट जवाब दें कि उनका पीहर कहां है, उनका ससुराल कहां है। पलटवार वसुंधरा राजे का सचिन पायलट पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही राजस्थान में सरकार बनाएगी। वो मेरा ओरिजिन पूछा जा रहा था कि मैं कहां से हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मेरी डोली राजस्थान में आई थी और मेरी अर्थी ही राजस्थान से जाएगी, परंतु मेरे को ये तो बतलाया जाए कि ये प्रश्न पूछने वालों का यह और उनका ससुराल कहां है, यही हमें बताना का काम करें। मेरा तो यहां है और मैं राजस्थान छोड़ के जाने वाले नहीं हूं। एक आखिरी सांस तक मेरा काम राजस्थान के अंदर है, ये विश्वास मैं सबको दिलाना चाहूंगा और इसीलिए आज के दिन ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, और आज के इस दिवाली के पर्व के पहले सब लोग एक दूसरे को बधाई और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं आप सबको भी, हम सबकी ओर से। चलिए मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर नामांकन दाखिल किया। सोमवार को शिवराज अपने परिवार के साथ बुधनी विधानसभा सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने नर्मदा देवी के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा पाई, मैं आज अपने अभियान से इसकी शुरुआत कर रहा हूं। हमारा मुख्य मुद्दा विकास का रहा है, हमने राज्य में कृषि को बढ़ावा दिया है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने पैतृक गांव जैतपुर पहुंचे और पूजा अर्चना की थी। तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। राज्य में 28 नवंबर को मतदान होना है, गिनती 11 दिसंबर को होगी। नामांकन प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो गई है, 9 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। बीजेपी पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में राज कर रही है, लेकिन बीते 13 साल से शिवराज सीएम हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही बीजेपी चुनाव लड़ती आई है। इस बार भी पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें हैं। तो मैं जिसका पुजारी हूं, वो जनता सुखी हो, प्रसन्न रहे, निरोग रहे, सबका मंगल और कल्याण हो, और मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था आज विकासशील से होते हुए विकसित राज्यों की श्रेणी में आ पहुंचा है। आगे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, और समृद्ध मध्य प्रदेश का मतलब न केवल सड़क, बिजली, पानी, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, बांध, ये तो सब होंगे ही, लेकिन जनता की जिंदगी में और बेहतरी कैसे आए, और उसके लिए समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं बनी हैं। वैसी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की, आम जनता की जिंदगी में भी और बेहतरी हम लेके आ पाए, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मध्य प्रदेश में कोई तकलीफ ना रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने सोमवार को 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जबकि पार्टी ने इससे पहले शुक्रवार को 77 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी।
बता दें कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और मुरैना से सांसद अनूप मिश्रा को भीतरावर से टिकट दी। इसके अलावा जबलपुर से शरद जैन, जबलपुर पश्चिम से हरेंद्रजीत सिंह बब्बू, उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव, कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया गया। इंदौर की सीटों पर नामों की घोषणा को लेकर संशय बना हुआ है। पहली सूची जारी करने के बाद लगातार उठ रहे बगावती सुरों को लेकर बीजेपी सतर्क हो गई है। राज्य में 28 नवंबर को वोटिंग होनी है, 11 को नामांकन रिजल्ट आ जाएगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, असामाजिक तत्व छोड़े नहीं जाएंगे। मेरी आपसे अपील, शांति बनाए रखें। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर घमासान हो रहा है। जिन नेताओं के टिकट पार्टी काट रही है वो बगावती रुख अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच भोपाल की गोविंदपुरा सीट से एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने अपनी ताल ठोकी है। ये बाबूलाल गौर की परंपरागत सीट है। अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। ऐसे में चर्चा थी कि बाबूलाल गौर ने पहली सूची में गोविंदपुरा से उम्मीदवार घोषित न होने पर बागी रुख अपना लिया था, लेकिन अब वो थोड़े नरम पड़े हैं। हालांकि बाबूलाल गौर ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी। विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा, हमेशा से क्या रहा। और प्रधानमंत्री क्या गए अब तो मैं विश्वास करो। सरदार सिंह जी का टिकट कट गया, कल वीडियो आया उनका कि किसी और को दे। अभी कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। मैं ना निर्दलीय लड़ूंगा, लड़ूंगा तो आप नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। और प्रधानमंत्री क्या गए भाई, बाबूलाल गौर एक बार और, अब इससे ज्यादा और गारंटी क्या हो सकती। पार्टी के द्वारा इतना असमंजस में क्यों रखा जा रहा है? पार्टी है बहुत, केवल गोविंदपुरा नहीं है, 53 सीटें हैं भाई। गोविंदपुरा गौर साहब की वजह से बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है, ऐसी भी खबरें हैं कि वीडी शर्मा और दूसरे। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मेरी बात मैं आप कहूंगा कि मुझे पार्टी का पूरा विश्वास है। मैं कभी भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना मैंने कोई फार्म भरा, अभी तो फार्म भी नहीं भरा है। हाँ, अभी 230 की नहीं हो पाई ना, अभी 53 सीटें शेष है जिन पर मंथन चल रहा है। बहुत जल्द हमको गोविंदपुरा भी दिखाई देगा। गोविंदपुरा से लगातार लगाई जा रही है, जो भी चुनाव लड़ेगा सूची सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना था। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम संगठन के सिपाही हैं और ये वह पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता का आकलन करती है, कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करती है और उस आधार पर वो कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। तो जिस प्रकार से काम हमने किया है, जो पार्टी हमारा मूल्यांकन करके जो फैसला लेगी वो हमको मान्य होगा। गौर साहब का अवैध गढ़ कहा जाता है गोविंदपुरा और उसको अभी तक कांग्रेस जीत नहीं पाई है, तो उसको लेकर अगर होल्ड किया जाना। स्वाभाविक रूप से मुझे तो खुशी होती है यह कहते हुए कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में कांग्रेस के लिए सबसे टफेस्ट सीट कोई है तो वो गोविंदपुरा है। और इस बात को उसने प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी फोनलाइन पर समय जुड़ गए हैं। प्रदीप, बड़ा ये मुश्किल समय होता है किसी भी पार्टी के लिए, चुनाव नजदीक है, आपको उम्मीदवारों की सूची जारी करनी है, आप किसको मनाएं, किसको नाराज करें, नए लोगों को मौका भी देना है और ऐसी सूची तैयार करनी है कि आने वाली सत्ता एक बार फिर से बीजेपी की हो। ये समय मंथन होगा बीजेपी में, चूंकि पिछले 15 साल सत्ता है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, तो बहुत सोच समझ कर दूसरी सूची भी जारी की है बीजेपी ने। देखिए बिल्कुल, और दूसरी लिस्ट आते ही यहाँ पर सियासी घमासान दिखाई दे रहा है। बीजेपी मध्य प्रदेश और जिस तरीके से लगातार सत्ता में वापसी के लिए सियासी की ओर अजमाइश चल रही है, तो ये जरूरी गोविंदपुरा सीट को लेकर सबसे बड़ा घमासान दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर यहाँ पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने बयान भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इसमें अपने बयान में शामिल किया और कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि गौर एक बार फिर, तो फिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यही बड़ा बयान देते हुए बाबूलाल गौर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो बयान आ रहा है यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से राजेश सिंह का ही बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी कभी ऐसी बात नहीं करते हैं।
गोविंदपुरा से कोर के दबाव पर निश्चित तौर पर राकेश सिंह का एक बयान यह दिखाता है कि बीजेपी दबाव में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो स्पेशल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और पसंद हमित जो गोविंदपुरा सीट से बीजेपी के सशक्त उम्मीदवार है और वो राज्य पर्यटन विभाग के अध्यक्ष भी है, उन्होंने बयान दिया है शायद बीजेपी में स्पेशल पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं है। तो फिलहाल सियासी खींचतान चल रही है और अगर आप देखें तो 177 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, आज जो 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी के अंदर जिस सीट बंटवारे को लेकर है वो समाधान पड़ता दिख रहा है, लिहाजा नजरें लगी है अब क्या आगे करने वाले हैं। बाबूलाल गौर जो कि इससे पहले भी कई बार पार्टी के झटका दे चुके हैं, तो बाबूलाल गौर के अगले कदम का इंतजार है। कितनी आसान या मुश्किल डगर इस बार बीजेपी की मध्य प्रदेश में प्रदीप? हालांकि राहत की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल बटी हुई है, टूटी हुई है, ये एक राहत की बात है बीजेपी के लिए। देखिए बिल्कुल कहने गई दोनों तरफ की सियासी जोरजबाई चल रही है, मार पलटवार चल रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से यहाँ पर पेंशन किस्तों को शामिल किया बीजेपी ने, ये बड़ा दांव माना गया क्योंकि पूर्व सांसद के तौर पर वो पहचान रखते थे और कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनको शामिल करके बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला। तो उधर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान के साले यानी उनकी पत्नी साधना सिंह के जो सगे भाई थे संजय सिंह मसानी, उनको शामिल कर लिया पार्टी के अंदर। तो एक बड़ा दांव उसको व्यक्तिगत तौर पर माना गया, कुछ शिवराज सिंह चौहान के लिए एक चुनौती पेश करता हुआ नजर आया। आज आप देखें तो आयाराम जयराम चुनाव के दौरान चलता है वो दिखाई देता है और प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है, लिहाजा किस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा देखना होगा। फिलहाल बीजेपी के अंदर घमासान दिखाई दे रहा है, बाबूलाल गौर की अगर बागावत यहाँ पर होती है तो उसका नुकसान खामियाजा ये क्या है कहा जा रहा है कि उठाना पड़ सकता है, लेकिन 70 पाल पार से हो चुके हैं और बीजेपी का एक फार्मूला रहा है कि वो युवा नेताओं को तरजीह देगी। ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स में बीजेपी आती है सदैव में आती है देखना होगा, या फिर ये महज उनकी सियासी दांव पेच होंगे, ये बड़े सवाल है। फिलहाल इंतजार है अगले कदम का बाबूलाल गौर के। शुक्रिया आपका प्रदीप कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। राज्यों की खबर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और इंदौर की किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि बीजेपी को अपनी इस लेट लतीफे का खामियाजा विधानसभा चुनाव में न उठाना पड़ जाए। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी लगभग घोषित कर चुकी हैं। लेकिन वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर की तमाम विधानसभाओं में बीजेपी ने अभी तक अपना एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जिसके चलते तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खास बात ये भी है कि उम्मीदवार घोषित न हो पाने की मुख्य वजह ताई यानी सुमित्रा महाजन और उनके भाई कैलाश विजयवर्गीय के बीच मतभेद बताया जा रहा है। इंदौर नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में शामिल होने पहुंची लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने टिकट वितरण को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि चुनाव को लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए मुझसे कोई सवाल नहीं कीजिए, टिकट वितरण को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं लोग मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है और ना ही मेरी किसी से कोई बात हो रही है। चुनाव की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसके संबंध में मुझे प्रश्न मत पूछो, ना टिकट की बात मुझे मालूम है, इसलिए वो भी मैं धनतेरस की आप सभी को शुभकामना, सबके घर धन धान्य से भरे रहे और जैसे साफ सुथरा इंदौर रहा है वो अच्छा भी दिखे, ग्रीन भी हो जाए, हरा भी करो उसको, हरा भरा सब हरा रहे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और हैरानी इसी बात को लेकर है कि सियासी मायनों में अहम स्थान रखने वाली इंदौर की किसी भी विधानसभा के लिए बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी को अपनी इस लेट लतीफी का खामियाजा चुनावों में न उठाना पड़ जाए, क्योंकि वक्त बेहद कम है और उम्मीदें बेहद ज्यादा। देवेंद्र भंडारे, टोटल न्यूज, इंदौर।
तो मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी के लिए एक अच्छी एक बुरी खबर आई है। दरअसल राजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे देवी सिंह पटेल का सोमवार को सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। बीजेपी ने शुक्रवार को जारी की गई अपनी 177 उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम घोषित किया था। बता दें कि राजपुर विधानसभा सीट बड़वानी जिले में आती है। बीजेपी ने देवी सिंह पटेल को कांग्रेस के मौजूदा विधायक बाला बच्चन के सामने उतारा था। पटेल पिछले चुनाव में 11,000 मतों से बाला बच्चन से हार गए थे। हालांकि देवी सिंह पटेल ने इस बार के चुनाव में अभी तक नामांकन नहीं किया था। यहां पर आदिवासी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने यहां 8 चुनावों में जीत दर्ज की है। बीजेपी सिर्फ 3 बार यहां जीतने में सफल हुई है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। ۲۰۱۳ का चुनाव हारने वाले देवी सिंह पटेल ने 2008 में जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस की शकुंतला वासकले को 8,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। देवी सिंह को इस चुनाव में 58,052 वोट मिले थे, वहीं शकुंतला वासकले को 49,285। चलिए गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां पर सोलर पैनल का उद्घाटन करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। योगी ने कहा कि सारी चीजें तय समय पर ही पूरी होंगी। इससे पहले सीएम योगी ने लोगों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने साधु संतों को अयोध्या में दीपावली मनाने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं योगी ने लोगों से एक बार फिर 6 और 7 नवंबर को भगवान राम के नाम पर दिया जलाने की अपील की है। आज धन त्रयोदशी है और धन त्रयोदशी के अवसर पर आप सबके घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो, इस बात की मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। परसों दीपावली है और दीपावली की भी हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको लेकर के है। सभी पूज्य संतों को मैंने दीपावली में अयोध्या आमंत्रित किया है, वे सभी अयोध्या आए, भगवान राम के अयोध्या आगमन के उत्सव में शामिल हों। और आप सब से भी मैं अपील करूंगा कि भगवान राम के नाम पर 6 और 7 नवंबर को एक एक द्वीप प्रज्वलित करके हम इस उत्साह को और अच्छा बना दें, ये आप सबके प्रति अपील है। सारे कार्य यथा समय पूरे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी राम मंदिर को लेकर लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। इस बीच लखनऊ में एक बार फिर मौर्य ने कहा कि हर हाल में राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हालांकि फिलहाल मामला उच्च न्यायालय के पास है और कोर्ट के निर्णय आपसी सहमति से अगर राम मंदिर निर्माण का फैसला नहीं होता तो फिर कानून बनाकर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। वहीं मौर्य ने साफ कर दिया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास बाबर के नाम पर कोई भी स्मारक किसी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। सर्वाधिक संभावना है, जब दोनों संभावनाएं समाप्त होती हैं तो फिर कानून का रास्ता बनता है। मैं पहले भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, जहां तक पूज्य संतों का और राम भक्तों का विषय है तो कोटि कोटि राम भक्त और जो पूज्य संत हैं सभी चाहते हैं कि रामलला का भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर बने और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। वर्तमान में मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। मंदिर निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, समझौते के बाद सर्वाधिक संभावना है, जब दोनों संभावनाएं समाप्त होती हैं तो फिर कानून का रास्ता बनता है। लेकिन इन सारे विषयों से अलग हट करके रामलला की जन्मभूमि पर बाबर के नाम से कोई स्मारक और कोई इमारत नहीं बनेगी, यह हमें जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा।